हेलो एवरीवन आज हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करने वाले हैं ये सारे क्वेश्चन जो है या तो यूपीएससी ने या फिर ये स्टेट पीसीएस में पूछे जा चुके हैं इन्हीं एमसीक्यू में एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको यूपी पीसीएस ने एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने एट प्लस टाइम्स पूछा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट वेज में तो हम उस क्वेश्चन को भी लास्ट में डिस्कस करेंगे ओके अब हम बात करते हैं अगर हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बीआर आर अम्बेडकर डिमांड रखते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का सेकेंड स्टेटमेंट क्या है हमारा कि पूना पैक्ट में जो है एक स्पेशल प्रोविजन इंक्लूड किया जाता है जो कि लोकल बॉडीज में एंड सिविल सर्विसेज में डिप्रेस्ड पीपल के रिप्रेजेंटेशन की बात करता है एंड थर्ड स्टेटमेंट कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है ओके okay? बात ये क्वेश्चन जो है यूपीएससी ने 2005 फाइव में पूछा हुआ है नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि वह कौन सा इंडियन था जो कि ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करता है बी आर अम्बेडकर या फिर महात्मा गांधी या फिर जिन्ना या फिर तेज बहादुर सप्रो ये क्वेश्चन जो है यूपी पी ने टू में पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ओके ये ध्यान दीजिएगा यहां पे नॉट ट्रू लिखा है तो फर्स्ट स्टेटमेंट कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है वो 1930 में होता है सेकंड स्टेटमेंट कि ये जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस था ये इसलिए होता है कि साइमन कमीशन के रिपोर्ट को डिस्कस किया जा सके थर्ड स्टेटमेंट कि ये जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है फर्स्ट वाला ये लंडन में होता है एंड फोर्थ स्टेटमेंट कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है उसको कांग्रेस भी अटेंड करती है ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गलत है ओके ये क्वेश्चन जो है यूपी पीसी ने 2010 में पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन इंडियन लीडर जो है वो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को लंदन में अटेंड करता है मौलाना मोहम्मद अली या फिर मौलाना अबुल कलाम आजाद या फिर महात्मा गांधी या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ये क्वेश्चन जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने 2000 में पूछा हुआ है अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो आपको बताना है कि इनमें से कौन आपको बताना है कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करता है यही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको यूपी पी ने एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ने अप्रॉक्स एट प्लस टाइम्स पूछा हुआ है डिफरेंट डिफरेंट वेज में ओके तो अभी सल्यूशन के टाइम पे मैं बताऊंगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है लेकिन अभी का क्वेश्चन क्या है कि कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट करती है ओके यूपीपीसीएस ने 2004 में इस क्वेश्चन को पूछा हुआ है अब हम बात करते हैं आंसर का तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ना आपको ये चीज याद रखना है कि बीआर अंबेडकर जो हैं वो ऑल थ्री राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये डिमांड रखते हैं कि डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट मिले ओके तो यह स्टेटमेंट करेक्ट है हमारा सेकंड पूना पैक्ट क्यों साइन होता है मैंने आपको बताया था कल कल के एमसीक्यू में हमने डिस्कस किया था कि पूना पैक्ट जो साइन होता है वो इसीलिए साइन होता है कि ये जो डिप्रेस्ड क्लासेस का सेपरेट इलेक्टोरेट वाला लॉ है इसको अब कैंसिल किया जाए क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसा नहीं चाहती थी कि डिप्रेस्ड क्लासेस को भी एक सेपरेट इलेक्टोरेट मिले ओके okay? तो पूना पैक्ट साइन किया जाता है ऑन बिहाफ ऑफ गांधी जी किसके बीच में बी आर अम्बेडकर के बीच में एंड मदन मोहन मालवीय ये दोनों लोग इसको साइन करते हैं ओके okay? तो इसमें एक प्रोविजन ये भी था कि लोकल बॉडीज में एंड सिविल सर्विसेज में इनको रिप्रेजेंटेशन मिले एंड थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं तो यह स्टेटमेंट भी करेक्ट है क्यों आपको ये चीज याद रखना है कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस एंड थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है अटेंड नहीं करती है सेकंड को करती है लेकिन यहां पे भी कुछ ऐसा कुछ खास निकल के सलूशन आता नहीं है क्योंकि पूरी बात जो है वो कम्युनल डेलीगेशन पे अटक जाती है ओके तो इसका आंसर क्या होगा आपका 1 2 एंड 3 अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन का तो मैंने जैसा कि आपको अभी बताया कि बी आर अम्बेडकर जो है वो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करते हैं डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए है ना तो यही एक ऐसे इंडियन है जो कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करते हैं ओके तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए अब हम बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का तो देखिए मैंने आपको बताया अभी कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसको कांग्रेस जो है वो अटेंड नहीं करती है इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका डी क्योंकि ये लिखा है नॉट ट्रू ओके बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन का तो आई मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों को इसका आंसर बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा तो हम इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व

तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं करती है तो ये तीनों एलिमिनेट हो जाते हैं बचा क्या हमारा ऑप्शन नंबर ए अब इनसे रिलेटेड मैं एक आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बताता हूँ कि मौलाना मोहम्मद अली जो है ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से थोड़े टाइम के लिए जुड़े हुए थे लेकिन जब खिलाफत मूवमेंट आपका फेल हो जाता है और तो और गांधी जी जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को, को सस्पेंड कर देते हैं चोरी चौरा इंसिडेंट के बाद तो ये जो है क्या करते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस से निकल जाते हैं ओके तो इसका आंसर क्या होगा आपका ए ओके इन्होंने जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था अब जैसा कि मैं आपको बताता आ रहा हूं कि राउंड फर्स्ट राउंड टेबल सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को सबसे पहले कि कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था तो वो आपका सेकेंड हो गया सेकेंड क्वेश्चन किस तरीके से आता है कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में इंडियन नेशनल कांग्रेस को किसने रिप्ली प्रेजेंट किया था ओके okay? मैं अगेन रिपीट करता हूं कि सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पे इंडियन नेशनल कांग्रेस को कौन रिप्रेजेंट करता है तो वो थे आपके महात्मा गांधी ओके okay? एक अगेन एक और क्वेश्चन से निकल के आता है कि महात्मा गांधी कौन से राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करते हैं तो वो था आपका सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो बस इतना ही सिंपल क्वेश्चन जो है यूपी एंड बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन जो है पूछा हुआ था ओके okay? तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही बहुत ही छोटा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे स्टेट पीसीएस के लिए हो जाता है तो इसको आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना ओके तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्सक्राइब करिए थैंक यू सो मच